आज के वीडियो में 8 ऐसे नेचुरल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीके देखेंगे जिससे आप बिना साइड इफेक्ट के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो। वेलकम टू थिंक पिल, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो पुरुषों के टेस्टिस में बनता है। प्यूबर्टी यानी कि युवावस्था में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से लड़कों में मसल्स बढ़ते हैं, आवाज एक पुरुष की तरह गहरी बनती है और प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर यानी कि दाढ़ी मूंछ उगना शुरू हो जाते हैं। एक पुरुष के ओवरऑल ऑप्टिमल हेल्थ के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत पूरी जिंदगी होती है, सिर्फ युवावस्था में नहीं। तो सबसे पहला तरीका जिससे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो वो है एक्सरसाइज एंड वेट लिफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, एक रिसर्च स्टडी से ये पता चला है कि जो लोग, खास करके जो पुरुष रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, उन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बाकी के पुरुषों के मुकाबले हाई होता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे कि वेट लिफ्टिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स को बूस्ट करने के लिए। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये एक्सरसाइज भी बहुत इफेक्टिव है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स को बूस्ट करने के लिए। अगर आप जिम जाते हो और वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप वेट्स या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से पहले या बाद में कैफीन और क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट लेते हो तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स को और भी ज्यादा और लंबे समय के लिए बूस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करते तो क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट तरीका जिससे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो वो है ईट प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्रेंड्स, कई लोगों को अलग अलग तरह के डाइट्स ट्राई करने का शौक रहता है और आजकल अलग अलग तरह के डाइट्स ट्राई करने का एक फैशन हो गया है। यूट्यूब पर भी आप देखोगे तो क्रैश डाइटिंग पर बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, खास करके ऐसे वीडियोस और डाइट्स जो ये दावा करते हैं कि 10 दिन में कैसे 10 किलो वजन घटा सकते हैं एक्सेट्रा। लेकिन फ्रेंड्स, ये सही बात नहीं है बार बार डाइटिंग करना और बार बार अपने वेट को चेंज करने से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और खास करके पुरुषों में इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को हेल्दी मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें होल फूड जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स का बराबर समावेश होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फैट्स लेने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल सही से ऑप्टिमाइज होता है। अगला तरीका जिससे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो वो है मिनिमाइज स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल लेवल्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल्स बढ़ जाता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जब बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल्स बढ़ा हुआ रहता है तो एलिवेटेड कॉर्टिसोल हार्मोन्स की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल तेजी से घटने लगा है। स्ट्रेस और हाई कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से वेट गेन भी होता है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं और घटने लगते हैं। चौथा तरीका जिससे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो वो है गेट सम सन और टेक अ विटामिन डी सप्लीमेंट। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी आजकल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विटामिन बन गया है, लेकिन ये सच में एक बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट विटामिन है। अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ विटामिन डी एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्टर भी है। अगर पर डे अप्रोक्सीमेटली 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन D3 सप्लीमेंट लिया जाए तो जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स कम से कम 25% तक बढ़ सकते हैं। अगर नेचुरल विटामिन डी चाहिए तो सुबह की हल्की धूप में आप वॉक या जॉगिंग या फिर गार्डन में योगा या सूर्य नमस्कार कर सकते हो। पांचवा तरीका जिससे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो वो है टेक विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के सही फंक्शनिंग
के लिए एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है, और जब ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है। और पुरुषों में खास करके जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सप्लीमेंट्स स्पर्म क्वालिटी को अप टू 74% बेहतर कर सकता है और टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स में इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट तरीका जिससे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो वो है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्टफुल हाई क्वालिटी स्लीप। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से डाइट और एक्सरसाइज हमारे ओवरऑल हेल्थ और हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए जरूरी है, उसी तरह से नींद भी हमारे बॉडी के ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। नींद की कमी के कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स पर डायरेक्ट असर हो सकता है। अगर एक पुरुष सिर्फ 5 घंटे की नींद लेता है तो उस पुरुष के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल में 15% का ड्रॉप हो सकता है। कुछ लोगों को आदत होती है कम सोने की, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि ऑप्टिमम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स के लिए 7 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। 7वां तरीका जिससे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो वो है टेक सम ऑफ दीज नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बूस्ट कैसे किया जाए उस पर बहुत रिसर्च हो रहा है। तो इस रिसर्च में सबसे ज्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी का सपोर्ट मिला है वो है अश्वगंधा नाम की जड़ी बूटी या हर्बल सप्लीमेंट को। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि अश्वगंधा लेने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स में 17% यानी 17% का ग्रोथ देखा गया है और कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स में 25% का ड्रॉप देखा गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉर्टिसोल हार्मोन किस तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को प्रभावित करता है, तो अश्वगंधा से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट होता है और कॉर्टिसोल हार्मोन ड्रॉप होता है। आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्टर हर्बल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, जैसे कि शिलाजीत, म्यूक्यूना प्यूरियंस या कौच के बीज और टोंकैट अली जो कि एक इंडोनेशियन जड़ी बूटी है, लेकिन इन सभी हर्बल सप्लीमेंट्स का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ अभी तक अवेलेबल नहीं है और ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट का काम करता है। फ्रेंड्स, अभी सबसे आखिरी तरीका जिससे आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट कर सकते हो वो है फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अवॉइड ईस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि सबसे बेस्ट तरीका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने का वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ एक हेल्दी सेक्स लाइफ भी बहुत जरूरी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। अक्सर जाने अनजाने में हम अपने आप को कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स को एक्सपोज हो जाते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है। ईस्ट्रोजन बूस्टिंग केमिकल्स जैसे कि हर रोज अगर आप बिस्फिनॉल ए, पैराबेंस और कुछ इस तरह के केमिकल्स जो प्लास्टिक के बॉटल्स या प्लास्टिक के बर्तनों में होते हैं, तो इन केमिकल्स के डेली एक्सपोजर से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स में गिरावट आ सकती है। इन हार्मफुल केमिकल्स के अलावा ड्रिंक्स और अल्कोहल लेना, नशा करना, इन सब से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स में गिरावट हो सकती है। तो अगर आप इन हार्मफुल केमिकल्स को अवॉइड करो और नशीले चीजों से दूर रहो तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स में इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।